आप देख रहे हैं मेट्रो सिटी लाइव। कमल राशिद खान उर्फ केआरके से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मुंबई पुलिस ने 2020 में उनके विवादस्पद ट्वीट पर गिरफ्तार किया है। केआरके एक विवादस्पद व्यक्ति है जो बॉलीवुड सितारों और उनकी फिल्मों पर ट्वीट और वीडियो पोस्ट कर चुटकी लेने के लिए जाने जाते हैं। उसका एक यूट्यूब चैनल भी है। समाचार एजेंसी NIN ने इस खबर की पुष्टि की है। रिपोर्ट के अनुसार दुबई में रहने वाले केआरके को मुंबई एयरपोर्ट पर उतरने के बाद गिरफ्तार किया गया। उसे आज बोरिवली कोर्ट में पेश किया जाएगा। इस साल के शुरुआत में केआरके ने सोशल मीडिया पर हंगामा खड़ा कर दिया है जब उन्होंने देशद्रोही 2 को रिलीज करने की घोषणा की, जो एक स्वघोषित ब्लॉकबस्टर है जो जाहिर तौर पर बाहुबली से बड़ी होने वाली है। पहली देशद्रोही फिल्म 14 साल पहले रिलीज हुई। पोस्टर देशद्रोही 2 में केआरके काले रंग का पहनावा पहने हुए है। पोस्टर में लिखा है कि फिल्म केआरके द्वारा निर्मित, केआरके द्वारा निर्देशित है और जाहिर तौर पर केआरके ने अभिनय किया है।